आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। जिलाधिकारी के विजन पांडेन की अध्यक्षता में एनेक्सी भवन के सभागार में संपन्न हुआ जिला पंचायत अध्यक्ष और सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह। डीएम ने दिलाया नव निर्वाचित अध्यक्ष साधना सिंह और सदस्यों को संविधान के प्रति कर्तव्य व निष्ठा की शपथ। पिपराई थाना क्षेत्र के पोखर भिंडा में मिला युवक का शव ब्रजेश विश्वकर्मा के रूप में हुई शव की शिनाख्त। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को लिया कब्जे में, भेजा पोस्टमार्टम हाउस। सीओ चौरी चौरा और एसपी नॉर्थ ने कहा मुकदमा पंजीकृत कर की जा रही है विधिक कार्यवाही, जल्द होगा खुलासा। जिले की नदियों के बढ़ते जलस्तर पर बोले जिलाधिकारी के विजन पांडियन, कहा बाढ़ चौकियों को किया गया है अलर्ट, नदियों के किनारे बसे लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की गई है व्यवस्था। जिला पंचायत अध्यक्ष साधना सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिला पंचायत की पहली बैठक। अध्यक्ष ने कहा वार्डों के विकास पर की गई चर्चा, विकास की बनाई गई रणनीति। घरेलू विवाद में पति ने पत्नी को मारा चाकू, इलाज के दौरान हुई मौत। खजनी पुलिस ने हत्यारोपी पति को आला कत्ल चाकू सहित किया गिरफ्तार, सीओ खजनी ने किया खुलासा। शपथ ग्रहण करने के बाद जिला पंचायत कार्यालय पहुंचकर जिला पंचायत अध्यक्ष साधना सिंह ने संभाला कार्यभार, कहा सदस्यों के साथ मिलजुल कर किया जाएगा जिले का विकास। एसपी सिटी सोनम कुमार के नेतृत्व में रेलवे व बस स्टेशन सहित होटल और ढाबों पर चलाए गए सघन चेकिंग अभियान, लोगों का किया गया वेरिफिकेशन, सुरक्षा के प्रति किया गया सचेत। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा कोरोना के संभावित तीसरी लहर को देखते हुए तैयार है स्वास्थ्य महकमा, लोगों से की अपील, कहा कोरोना गाइडलाइंस का करे पालन, रहे सुरक्षित। न्यू आयुक्त न्यायालय अधिवक्ता समिति ने किया मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी का स्वागत, अपने समस्याओं से कराया रूबरू। मंडलायुक्त ने हर संभव सहायता का दिया आश्वासन, कहा वादकारियों को समय से न्याय दिलाना ही होगी प्राथमिकता। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि एवं पीएम स्वनिधि योजना में कार्यरत स्वनिधि मित्र को नगर आयुक्त ने वितरित किया आई कार्ड, बैठक कर स्वनिधि मित्रों को कार्यों की दी गई जानकारी। सोमवार को जिला अस्पताल सहित 50 केंद्रों पर 12,811 लोगों को किया गया कोविड का वैक्सीनेशन, सीएमओ ने कहा अवश्य लगवाएं टीका जीत का। लाल डिग्गी बंधे की तरफ नगर निगम द्वारा कूड़ा गिराने को लेकर स्थानीय लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन, नगर आयुक्त ने कहा जल्द मिलेगा समस्या से निजात, सहजनवा में बनकर तैयार हो रहा है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट। गोरखपुर में सोमवार को मिला एक नया कोरोना संक्रमित मरीज, जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 59,323। अब तक 847 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान, 56 हुए एक्टिव मरीज, सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। प्रदेश सरकार द्वारा तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए लाइसेंस लाने के विरोध में तंबाकू सिगरेट बीड़ी पान मसाला व्यापार संघ ने नगर आयुक्त को दिया ज्ञापन, कहा लाइसेंस लागू होने से व्यापारियों के जीविका पर पड़ेगा असर, व्यापार होगा प्रभावित। विभिन्न मांगों को लेकर बीआरडी मेडिकल कॉलेज के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन, अपर नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा समायोजित करने की मांग। शासन के निर्देश पर अब सोमवार से रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा नाइट कर्फ्यू, एसपी सिटी ने कहा कोरोना के संभावित तीसरे लहर से बचने के लिए करें कोरोना प्रोटोकॉल का पालन, रहे सुरक्षित। और जनपद के नदियों के जलस्तर में दर्ज किया गया गिरावट, खतरे के निशान पर स्थिर है रोहिन नदी, धीरे धीरे बढ़ रहा है राप्ती नदी का जलस्तर लेकिन स्थिति है सामान्य।